प्यार के आगे वक्त की बदलती करवटों का कोई मायना नहीं होता। प्यार के लिए ना ये महत्वपूर्ण होता कि धन दौलत चाहिए, प्यार के लिए तो सिर्फ दिल साफ चाहिए, लोगों का दिल से मिलना चाहिए, प्यार के अंदर विश्वास होना चाहिए, प्यार में तो एक दूसरे के प्रति तड़प होनी चाहिए। तभी तो उस गरीब पति पत्नी की हम आज बात कर रहे हैं जिनके पास पैसा तो नहीं लेकिन उनके पास प्यार है जो शायद उन पैसे वालों के पास भी नहीं है। पत्नी की खासियत यह थी, वो बहुत खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते थे उसके लंबे लंबे बाल। एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो, क्या तुम मेरे लिए बालों की एक नई क्लिप ला सकते हो जिससे मैं अपने बाल अच्छे से रख सकूं? पति ने कहा, मुझे माफ करो यार, लेकिन मैं अभी नए बालों का क्लिप नहीं खरीद सकता। अभी मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है और अभी मुझे मेरी टूटी हुई घड़ी सही भी तो करवानी। इतना कहकर पति अपने काम गया। काम से घर आते समय पति घड़ी की दुकान पर गया। अपनी टूटी हुई घड़ी वहां बहुत कम पैसों में बेचकर पत्नी के लिए एक सुंदर सा नया बालों का क्लिप खरीद लिया। वह शाम आया तब अपनी पत्नी को सरप्राइज करना चाहिए, लेकिन अपनी पत्नी के छोटे और कटे हुए बाल देखकर खुद ही अचंभित। पत्नी ने कहा, डार्लिंग, मैंने अपने बाल बेचकर तुम्हारे लिए एक नई घड़ी खरीदी है, अब तुम्हें अपनी टूटी हुई घड़ी सही कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह देखकर पति की आंखों में आंसू आ गए और पति कुछ न बोलते हुए भी बस नया बालों का क्लिप अपनी पत्नी को देता है। नया क्लिप देखते ही पत्नी सब समझ जाती है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कब तक एक दूसरे के गले लिपट कर रोते रहते हैं, आंखों में आंसू बहते रहते हैं, लेकिन दिल को जो सुकून मिला उसने अपनी सबसे खूबसूरत चीज बालों को काटकर सिर्फ अपने पति को इसलिए दे दी कि उसके पति की घड़ी टूटी हुई थी। पति ने सिर्फ अपनी टूटी हुई घड़ी को इसलिए बेच दिया कि उसे अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करनी थी ताकि वो खुश रख सके और वो एक दूसरे से प्यार को और गहराई तक समझ सके। प्यार किसी चीज का मोहताज नहीं है, प्यार मोहताज है आपका, प्यार मोहताज है इस दिल का जो दिल धड़कता है, जिसे एहसास होता है वास्तव में कोई उसे कितना प्यार करता है, कि कोई उसकी कितनी कीमती चीज जो उसके पास होती है उसको भी निछावर कर देता है। प्यार समर्पण का नाम है, प्यार त्याग का नाम है। तभी तो दुनिया की सबसे अनमोल चीज कोई है तो सिर्फ प्यार। तो यारों दोस्तों, जितना प्यार कर सकते हो अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को, कुछ मत करो। जितना आप डूबोगे उसके प्रति, वो उससे चार गुना आपके प्रति डूबेगा। तभी तो कहते हैं प्यार अमर है।